हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई ऑनलाइन लर्निंग। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जितने भी मंत्री हैं उनका बैठक हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12,489 पदों पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि सरगुजा और बस्तर संभाग वालों के लिए होगा। अब हम पदों की संख्या देखें तो कुल यहाँ पर 12,489 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें से 6,285 पद सहायक शिक्षक के लिए होंगे, 5,772 पद शिक्षकों के लिए होंगे और 432 पद व्याख्याता के लिए होंगे। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक का बोनस यहाँ पर दिया जाएगा और अधिकतम 10 अंक का बोनस देने का निर्णय यहाँ पे कैबिनेट बैठक में लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो क्या सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए होगी। बस्तर और सरगुजा संभाग वाले ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, या अन्य लोग जो है अन्य संभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, तो इसके लिए जो है बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग तो यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसी भी संभाग का व्यक्ति है वहाँ पर इस शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।